बुधवार 10 जुलाई जोधपुर का बनार थाना इलाका, इलाके का नांदड़ा खुर्द गांव। शाम 5 बजे पुलिस को एक फोन आता है। इधर फोन कटा, उधर पूरे लाव लश्कर के साथ, दलबल और खोजी कुत्तों के साथ जोधपुर पुलिस की एक टीम नांदड़ा खुर्द गांव पहुंचती है और वहां जाकर जो दिखता है वो देखकर पुलिस वालों के भी पसीने छूटने लगे। जोधपुर पुलिस की पूरी टीम जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, क्योंकि नजारा ही कुछ ऐसा था। पुलिस के सामने इस घर के अंदर एक महिला की लाश पड़ी थी, जिसके सर में एक कुल्हाड़ी लगा था। इससे पहले कि पुलिस तफ्तीश शुरू करती, घर में ही बने पानी के टाके में दो और लाशें मिलती हैं। और जोधपुर का यह इलाका ट्रिपल मर्डर से दहल उठता है। एक घर और घर के अंदर एक ही परिवार की तीन लाशें, यही बात किसी को भी सदमे में डालने के लिए काफी है। लेकिन जब पुलिस इन तीनों की हत्या का तरीका देखती है तो जोधपुर पुलिस भी सोच में पड़ गई कि कोई ऐसा भी कर सकता है, कैसे कोई किसी की इतनी क्रूर तरीके से हत्या कर सकता है। भंवरी देवी, जिसकी उम्र करीब 60 साल थी, और उसकी दो छोटी छोटी नातिन, इन तीनों को कुछ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर मार डाला, और ऐसा मारा कि देखने और सुनने वालों की रूह कांप गई। जब पुलिस घर में घुसी तब भंवरी देवी के सर में कुल्हाड़ी धंसी हुई थी। किसी ने उस पर ऐसा वार किया, इतना जोरदार प्रहार किया कि कुल्हाड़ी उसके सिर में ही धंसी रह गई। इसके बाद हमलावर उसकी दोनों नातिनों को वहीं मौजूद एक पानी के टाके में डाल देता है और इन दोनों मासूमों को पानी में डुबो डुबो कर मार देता है। देखिए, जो कल ये दुखद घटनाक्रम हुआ, इसमें एक लड़का है दिनेश सन ऑफ सुजाराम, इसको डिटेन किया है और इससे प्राथमिक पूछताछ में इसके द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया है। अभी इसके और साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। बाकी जो इसका मोटिव रहा हत्या का, वो बेसिकली पैसे के लिए हुआ। जो अभियुक्त है वो जुए में काफ़ी पैसे हार चुका है, उसलिए इसे पैसे चाहिए थे, तथा इसको अभियुक्त का मृतक परिवार के घर लगातार आना जाना था, बेरोक टोक आना जाना था। तो इसको ऐसा अंदेशा था कि इनके घर में कुछ जेवरात मिल सकता है। हालांकि जो FIR दी गई है उसमें कोई जेवरात या कैश का जिक्र नहीं है, फिर भी हम उस एंगल पे भी अभी वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मोटा मोटे तौर पे इस चीज़ का कल के वाले प्रकरण का खुलासा हो गया। हमला करने वाला पहले घर में घुसकर सबसे पहले भंवरी देवी के सर पर वार करता है, जिससे वो वहीं मौके पर ही ढेर हो जाती है। इसके बाद अगला टारगेट होती है भंवरी देवी की बेटी संतोष, जो फिलहाल MDM अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। हालांकि हमलावरों का मन इससे भी नहीं भरता और उनका अगला निशाना होते हैं भंवरी देवी के दो मासूम नातिन, और इन दोनों को भी बड़ी बेरहमी से पानी में डुबोकर मार दिया जाता है। किसी ने घर में घुसकर कुल्हाड़ी से सबसे पहले भंवरी देवी के सर पर वार किया, जिससे वो मौके पर ही ढेर हो गई। वहीं संतोष के भी सर पर कुल्हाड़ी से वार करने पर सिर में कुल्हाड़ी फंस गई। MDM अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन कर कुल्हाड़ी बाहर निकाली। वहीं हमलावरों ने दोनों मासूम बेटियों को घर में बने पानी के टाके में डुबोकर मार दिया। यहां सबसे बड़ी बात यह, जिस वक्त ये पूरा कांड हो रहा था उस वक्त घर का मालिक पुखराज वहां मौजूद नहीं था। जोधपुर DCP आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि 10 जुलाई की शाम करीब 5 बजे पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलती है। इसके बाद जोधपुर पुलिस की एक टीम फौरन मौके पर पहुंची। हालांकि फिलहाल मौकाए वारदात पर लूट या डकैती के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन ये पूरा कांड जुए में पैसे हारने की वजह से हुआ। इसी घर के पास रहने वाला दिनेश, जो जुए में लाखों रुपए हार चुका था, उसने पैसे और गहने की लालच में इन तीनों को मार दिया। पुलिस ने बताया कि जिस परिसर में हत्या हुई वहां मांगीलाल के दो पुत्र पुखराज और अशोक रहते थे। ये घटना पुखराज के घर में हुई, जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं था, और इसी दौरान उसके परिवार के तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। फिलहाल एक आरोपी पकड़ा गया है, साथ ही मामला बड़ा है, इसलिए जोधपुर पुलिस ने इसकी हाई लेवल जांच शुरू कर दी है।